आज के लेक्चर के अंदर ट्रसेस को डिस्कस करेंगे। ट्रसेस का बेसिकली जो मकसद है वो ये है कि आप किसी भी कॉल को कंबाइन करते हैं और कंबाइन करके रीयूज करते हैं। जैसे आप एक प्रोजेक्ट बनाते हैं, उस प्रोजेक्ट के अंदर आपके पास 10 फॉर्म्स हैं। उन 10 फॉर्म्स में कुछ चीजें कॉमन है, कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जिनको आपने कॉमन रखना है। तो आप क्या करें, बजाय इसके कि हर एक फॉर्म पे आप फंक्शन बनाए, आप उन फंक्शन को क्लास फाइल में डाल दें और क्लास फाइल से आप उसको कॉल कर लें। क्लास फाइल के अंदर आप फंक्शंस को भी रख सकते हैं और क्लास फाइल के अंदर आप किसी भी वेरिएबल्स को भी रख सकते हैं, ऐसे वेरिएबल्स जो आपको मुख्तलिफ जगहों पे जरूरत हो। ठीक है, अब इसके लिए मैं जो क्लास कनेक्शन लूंगा इसके अंदर मैं एक सिंपल सा फंक्शन लूंगा। देखिए, मैं कोई कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट नहीं दूंगा आपको ताकि आपको चीज समझ आए। जब आगे प्रॉपर हम सी शार्प की कोडिंग्स पे जाएंगे तो फिर आपको सही समझ आ जाएगी कि कोड की, क्योंकि सी शार्प लैंग्वेज जो है प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। आपको क्लासेस, इनहेरिटेंस, ओवरलोडिंग, ओवरराइडिंग और ये होता है फंक्शन, इनका लाजमी कंसेप्ट हो। ठीक है, बेशक प्रैक्टिकली ना हो, थ्योरेटिकली हो, इसके अलावा कंस्ट्रक्टर्स का भी थोड़ा सा आइडिया हो। कंस्ट्रक्टर्स का मैं आपको एक लेक्चर करवा दूंगा कवर, जिससे आपको ये होगा कंस्ट्रक्टर का पता चल जाएगा। आपको प्रॉब्लम क्या होती है, आप देखते हैं प्रोग्राम बड़ा सा है, ठीक है, कम्प्लेक्स है, हालांकि चीज सिंपल भी बन सकती है। जो आप बुक्स फॉलो करते हैं, बुक्स भी होता है, बुक्स के अंदर ये फंक्शंस ओवरलोडिंग ओवरराइडिंग होगी, बड़ा सा प्रोग्राम भी होगा, आप उस प्रोग्राम को नहीं समझ सकेंगे, ओवरलोडिंग को क्या समझेंगे। सिंपल प्रोग्राम से मैं आपको कराऊंगा, ठीक है, बाकी कंसेप्ट आपने खुद बना दें प्रैक्टिस से। ठीक है, यहाँ पर मैं न्यू प्रोजेक्ट ले रहा हूँ, प्रोजेक्ट विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन ले लिया। इसके अंदर सीएस क्लास वन नाम दे दिया, इसके अंदर एक फॉर्म अवेलेबल है। इस फॉर्म के ऊपर टूल बॉक्स में से जाके एक लेबल ले लिया, इसके अलावा एक टेक्स्ट बॉक्स। मैं बिल्कुल सिंपल सम का फंक्शन अप्लाई करूंगा, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होगी इसमें। दो वेरिएबल्स होंगे, दोनों को प्लस किया जाएगा और रिजल्ट आपके पास आएगा, और एक बटन ले लिया। इसके अलावा मैं एक और लेबल लेता हूं इसके बिल्कुल टॉप के ऊपर, टाइटल शो करने के लिए। ठीक है, इसके ऊपर मैं टाइटल शो करूंगा, लेकिन टाइटल कहां से रीड होगा, क्लास फाइल में से। क्लास फाइल में टाइटल लिखा जाएगा, वो टाइटल रन टाइम पे कॉल हो जाएगा। इधर सबसे पहला लेबल आ गया, इसके अंदर इंटर फर्स्ट इंटीजर, फिर इंटर सेकेंड इंटीजर, उसके बाद आ गया रिजल्ट, सम का बटन आ गया, और ये जो लेबल है इस लेबल की टेक्स्ट प्रॉपर्टी मैंने खाली कर दी, और इस लेबल को मैंने नेम असाइन कर दिया एलबीएन टाइटल। जब भी लेबल्स को नाम दे तो उसके साथ एलबीएन लिखते करें, ये चीज आपको कोडिंग में काम आएगी। जब आप एलबीएन लिखेंगे आपको पता होगा ये सारे लेबल्स हैं। टेक्स्ट बॉक्सेस है तो टीएक्सटी आप लिख लेंगे, बटन है तो बीटीएन आप लिख लेंगे, और ये स्टैंडर्ड्स भी है। जो मैं नाम इधर लिख रहा हूं एलबीएल टीएक्सटी, तो ये स्टैंडर्ड्स भी आपको लेट्स सी, अगर कोई कोडिंग मिलेगी या प्रोजेक्ट मिलेंगे तो आपको उसमें सेम कोडिंग मिलेगी। फिर आ गया नेक्स्ट टीएक्सटी एन वन, फिर आ गया टीएक्सटी एन टू। ठीक है, बाकी कुछ प्रॉपर्टीज आपको फुट ट्राई करनी है, फॉन्ट कलर चेंज करना, बैकग्राउंड कलर चेंज करना, क्योंकि बेसिक चीजों पर अगर काम करते हैं फिर आपकी प्रोग्रामिंग रह जाती है। और टीएक्सटी रिजल्ट, जो रिजल्ट डिस्प्ले हो वो चेंज ना हो सके, जिसके लिए प्रॉपर्टी होती है रीड ओनली, इसको मैंने ट्रू कर दिया। जो रिजल्ट आए वो चेंजेबल ना हो, सिर्फ नजर आए।
तो इसके लिए एक प्रॉपर्टी होती है रीड ओनली, ये मैंने ट्रू कर दी है। फॉर्म की तो समझ आ गई ना? यस सर। इस फॉर्म के ऊपर बिल्कुल टॉप पे देख लेबल है, ये लेबल जब रन में प्रोजेक्ट को करूंगा तो सर टाइटल आएगा इसके अंदर और बाकी जो कैलकुलेशन करनी है। इसके बाद प्रोजेक्ट के ऊपर राइट क्लिक किया दोबारा, आप सॉल्यूशन एक्सप्लोरर पे जाएंगे। फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में रिसोर्सेज होते हैं। सबसे ऊपर आपको सॉल्यूशन फाइल मिलेगी, सॉल्यूशन फाइल के नीचे आपको प्रोजेक्ट फाइल मिलती है। एक सॉल्यूशन के अंदर मल्टीपल प्रोजेक्ट भी हो सकते हैं। जैसा मेरे पास एक प्रोजेक्ट है इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम का, उसमें यूजर पहले थंब सिस्टम से लॉगिन होता है, थंब सिस्टम का एक अलग प्रोजेक्ट है, फिर वो अपनी फेस रिकॉग्नाइज करवाता है, फिर उसके बाद फिर वो इलेक्शन सिस्टम पे चला जाता है। तो तीन प्रोजेक्ट्स एक सॉल्यूशन में है। एक सॉल्यूशन में आप मल्टीपल प्रोजेक्ट्स डाल सकते हैं। जैसा आपके पास एक ही प्रोजेक्ट है उसमें आप दो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के हैं, तो आप दो प्रोजेक्ट्स बना लें, क्योंकि अगर एक ही प्रोजेक्ट बनाएंगे उसमें सारा कुछ कंबाइन हो जाएगा, अलग प्रोजेक्ट्स होंगे ज्यादा बेहतर रहेगा। सॉल्यूशन फाइल के नीचे प्रोजेक्ट फाइल आती है, प्रोजेक्ट फाइल पे आप राइट क्लिक करें, राइट क्लिक पे ऐड की ऑप्शन है और ऐड के अंदर आपको डायरेक्ट क्लास की ऑप्शन मिल रही है, क्लास पे क्लिक कर लें। जब क्लास पे क्लिक किया इसने एक विंडो दे दी आपको और इस विंडो में क्लास का नाम बता रहा है, क्लास वन नाम है इसका, मैंने इसी नाम से ऐड कर दिया इसको। इसके अंदर नेम स्पेस है, सबसे बाहर नेम स्पेस आपके प्रोजेक्ट का नाम होता है और उसके अंदर फिर क्लास फाइल है, क्लास फाइल का कोड इसके अंदर आपने करना है। यहां पर मैं एक फंक्शन बनाता हूं पब्लिक इंट सम, इंटीजर ए और इंटीजर बी, इसके दो पैरामीटर्स हैं ए और बी। पब्लिक इसलिए रखा है कि आउटसाइड द क्लास एक्सेस हो सके, प्राइवेट पब्लिक और प्रोटेक्टेड तीन किस्म के मॉडिफायर्स होते हैं स्पेसिफायर्स। यहां पर रिटर्न ए प्लस बी, फंक्शन का बेसिक कंसेप्ट तो है ना, पब्लिक रखा है फंक्शन को, इंट इसकी रिटर्न टाइप है और फंक्शन का नाम है सम और दो पैरामीटर्स हैं। पैरामीटर्स वो वैल्यूज होती है जो आप उसको असाइन करते हैं। इसके अलावा मैं एक और काम करता हूं पब्लिक स्ट्रिंग वेलकम, मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया उसको मैंने स्ट्रिंग रखा हुआ है वेलकम, और स्ट्रिंग जब आप डिफाइन करते हैं तो डबल कोट्स में होनी चाहिए। मैं इधर लिखता हूं वेलकम टू माय कैलकुलेटर, ये भी मैंने क्लास फाइल के अंदर रख दिया, ठीक है। अब इस हम एग्जांपल लेते हैं, मैं एक प्रोजेक्ट बनाता हूं, उस प्रोजेक्ट के अंदर 10 फॉर्म्स है, 10 के 10 फॉर्म पे ये मैसेज डिस्प्ले करता है, तो मैं क्या करता हूं क्लास फाइल में रखूंगा। हर वो चीज जो आपको रीयूज करनी हो आप क्लासेस में रख लें। मैंने एक तो स्ट्रिंग रख दी जिसको हम मेंबर्स भी कहते हैं, मेंबर वेरिएबल्स, और मैंने एक फंक्शन रख दिया जिसको मेंबर फंक्शन भी कहते हैं, तो दो चीजें मैंने क्लास के अंदर डिफाइन कर ली। फिर मैंने फॉर्म पे डबल क्लिक किया, फॉर्म का लोड इवेंट आ गया। पहला काम मैं करता हूं क्लास को एक्सेस करने के लिए उसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। क्लासेस को आप इनहेरिटेंस के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं और इसके अलावा थ्रू ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस हम नहीं कर सकते। वजह क्या है, ये क्लास जो है फॉर्म वन ये ऑलरेडी इनहेरिटेड है फॉर्म की क्लास से, और सी शार्प जावा वीबी ये सारी सिंगल इनहेरिटेंस करती है। क्लास का नाम क्या है, क्लास वन, इस क्लास का नाम आ गया ओबीजे, इसका ऑब्जेक्ट नेम है इज इक्वल टू न्यू क्लास वन, और ये इसका कंस्ट्रक्टर आ गया। क्लास का नाम लिखा ओबीजे, इसका ऑब्जेक्ट नेम आ गया इज इक्वल टू न्यू क्लास वन। ग्लोबल इसलिए रखा है कि लोड इवेंट में भी जरूरत है इसकी, और बटन पे भी, बटन पे डबल क्लिक करें, इधर भी सब्जेक्ट को यूज करना है ना, यहाँ पे लोड इवेंट के अंदर LBL टाइटल डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू ओबीजे डॉट वेलकम, ओबीजे ऑब्जेक्ट का नाम आ गया डॉट वेलकम, वेलकम क्या उसके अंदर एक स्ट्रिंग मैसेज है। इसके कि पूरा मैसेज इधर लिखा जाए मैंने ओबीजे डॉट वेलकम वेरिएबल को काम कर दिया, और ये वेरिएबल जो है ये शो कहां पे होगा लेबल टाइटल में।
अब इसको पेज को एग्जीक्यूट में करता हूँ, F5 शॉर्टकट है, तो आपको यहाँ पर टाइटल दे रहा है वेलकम टू माय कैलकुलेटर। ये क्लास नाइन से रीड हो रहा है कोड, स्टॉप कर लो इसको। इसके बाद बटन का कोड आ गया, बटन पे मैंने इंटीजर ले लिए एक्स वाई जेड, एक्स इज इक्वल टू कन्वर्ट डॉट टू 832 txt n1 डॉट टेक्स्ट, फिर y इज इक्वल टू कन्वर्ट डॉट 232 txt n2 डॉट टेक्स्ट, और फिर z इज इक्वल टू obj डॉट सम। अभी समझ आई, बीच में फंक्शन है जो आपको बॉक्स मिलते हैं क्यूब से ग्रे कलर में, ये फंक्शन है, और जो ब्लू कलर में मिलते हैं वो वेरिएबल्स होते हैं या कंट्रोल्स होते हैं या ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। बटन का नाम जब लिखेंगे तो वो ब्लू कलर में शो होगा, और जो फंक्शन होंगे वो आपको ग्रे कलर में मिलेंगे, ठीक है, पर्पल से कलर में। ओबीजे डॉट सम एक्स कॉमा वाई, एक्स और वाई को प्लस करेगा और सम जेड के अंदर स्टोर हो जाएगा, रिटर्न कर देगा। फिर उसके बाद टीएक्सटी रिजल्ट डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू, स्ट्रिंग कन्वर्जन करनी है तो कन्वर्ट डॉट टू स्ट्रिंग भी लग सकता है, नहीं तो जेड डॉट टू स्ट्रिंग भी। इसका अल्टरनेटिव क्या है, कन्वर्ट डॉट टू स्ट्रिंग, जो इससे पहले हमने अप्लाई किया था, मैं अब फिलहाल इसको कमेंट कर दूं। दो मेथड्स हैं स्ट्रिंग कन्वर्जन के, मैंने अभी दूसरा मेथड यूज किया है, वेरिएबल का नाम नहीं लिया, डॉट टू स्ट्रिंग कर दिया, क्योंकि टेक्स्ट बॉक्स में जो रिजल्ट होगा वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में होता है। एग्जीक्यूट कर दें इसको, टाइटल आ गया ऊपर, और टाइटल के बाद इधर फर्स्ट इंटीजर सेकंड इंटीजर सम कर लें, इसको ये कैलकुलेट करके आपको दे रहे हैं, सही है। क्लासेस का सिंपल सा प्रोग्राम है, आपने इसी प्रोग्राम को कन्वर्ट करना है मल्टीप्लाई डिवाइड मॉड्यूल्स के लिए, सही है ना, ठीक है।